नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। नेपाल में भारी वर्षा के कारण कोसी और गंडक नदियों में उफान आ गया है। जी हां, खतरे को देखते हुए वीरपुर और वाल्मीकि नगर बैरेज को खोल दिया गया है। दरअसल नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण बिहार की नदियों में उफान है, इससे बाढ़ का खतरा गहरा हो गया है। कोसी, गंडक और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, तो पटना में गंगा का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है। कोसी नदी के जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण सुपौल के वीरपुर बैरेज के 56 में से 35 फाटक खोल दिए गए हैं। बैरेज से 229,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। उधर पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैरेज से गंडक नदी में 3,00,000 क्यूसेक से अधिक पानी का लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी में पानी के भारी दबाव से वाल्मीकि नगर बैरेज पर मंडराते खतरे को देखते हुए सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। वाल्मीकि नगर बैरेज से लगातार 3,00,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। देर रात ये 3,00,000 क्यूसेक हो गया था, इससे गोपालगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सदर और मांझा प्रखंडों के कई गांव डूब भी गए हैं। दोनों प्रखंडों के कई गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। पतराहा, छरकी, मसान थाना, छरकी और ग्रामीण तटबंध पर नदी का भारी दबाव है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी गंडक का पानी घुसने के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। सुपौल के वीरपुर स्थित कोसी बैरेज पर भी पानी का भारी दबाव है। वीरपुर के कोसी बैरेज के 56 में से 35 फाटक खोल दिए गए हैं। बैरेज से 2,00,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, इससे कोसी तटबंध के अंदर के गाँव लगातार डूबते जा रहे हैं। तटबंध पर पानी का भारी दबाव है। सुपौल और सहरसा के निचले इलाकों में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड में दुबियाही मौजा मुख्य सड़क टूट गई है। निर्मली प्रखंड में 200 एकड़ क्षेत्र में धान की फसल डूब गई है। सीमांचल इलाके की अगर हम बात करें तो सीमांचल इलाके में महानंदा नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कटिहार के आजम नगर के आधा दर्जन से अधिक गांव में महानंदा का पानी घुस गया है। कनकई और परमान नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पानी के दबाव के कारण जगह जगह तबाही का आलम है। सुपौल में पश्चिमी कोसी तटबंध के रिटायर बांध का स्पर ध्वस्त हो गया है, तो पश्चिम चंपारण के गौनाहा में कटहा नदी पर बना पुल दो भागों में बट जाने से दो गांवों का संपर्क कट गया है। उधर लखीसराय में क्यूल नदी पर बना स्थायी पुल डूब गया है। लखीसराय से कई इलाकों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से महज 31 सेंटीमीटर नीचे है। मुंगेर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है। तेज कटाव के कारण 3 दर्जन से ज्यादा गांव खतरे में है। पटना के गांधी घाट में भी गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। सोन और पुनपुन नदियां भी उफान पर है। दरअसल नदियों का जल स्तर खतरे का निशान पार कर जाने से बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मुख्यालय से लेकर फील्ड अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।